चलिए देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है आपका, यदि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी वृत्त का बात हो तो हम वृत्त का व्यास नहीं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे उसका परिधि निकाल सकते हैं, चाहे उसका परिमाण ज्ञात ज्ञात कर सकते हैं, हम उसको परित्रिज्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसमें व्यास दे रहे हैं तो व्यास कौन डी से सूचित करते हैं, व्यास डी बराबर 14 सेंटीमीटर दे रहे हैं। इससे नहीं क्या कर सकते इसका परिणाम, क्योंकि परिणाम का फॉर्मूला होता है आर से। देखिए इसीलिए वृत्त, इसीलिए अर्ध वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर होता है डी बटा टू। इसमें डी के मान दे रहे हैं 14 सेंटीमीटर होता है बटा टू बराबर 7 × 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसीलिए अर्ध वृत्त का परिमाप बराबर होता है पाई प्लस टू इंटू आर। अब देखिए तब पाई का मान बोले, पाई का मान होता है 22/7 जो हम आपको बता दिए थे, 22/7 प्लस टू इंटू आर, आर का मान कितना है 7। अब देखिए तो ये हो गया वृत्त का जोड़, और 7 और 1 का लघु तो मिल जाएगा 7, और इसको देखिए जब 22 में 1 से गुना करेंगे तो 22, और 7 में जब 2 से गुना करेंगे तो 7 × 14 ये कितना हो जाएगा इंटू 7। अब यहाँ देखिए 7 में 22 में 14 जोड़िए, 22 में 14 जोड़िएगा तो 4 × 2 = 6, 2 × 2 = 3, 36/7 × 7 = 7, 7 × 7 = 36 सेंटीमीटर बचेगा। यही आपका परिणाम है, यही आपका आंसर हो जाएगा।